नमस्कार। वैसे तो राहुल गांधी अपने बेतुके बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार उनका एक ट्वीट लोगों के टारगेट लिस्ट में आ गया और इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐतिहासिक धरोहर में शुमार जलियांवाला बाग के कायाकल्प पलटने के बाद उसे देश को सौंप दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही ये पूरा दृश्य देखा उनको 440 बोल्ट का झटका लग गया। आओ देखा ना ताओ, तुरंत ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। ट्वीट में भी कुछ ऐसा लिख दिया कि खुद ही अपने बुने जाल में फंस गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीजेपी नेता परवेश साहिब सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कौन सा युद्ध लड़ने गए थे 1984 सिख दंगों के शिल्पकार के बेटे राजीव गांधी जो शहीद हुए? जरा ये भी बताओ देशवासियों को, आज देश को बोफोर्स के दलाल की असलियत पता तो चले। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जैसे ही कई लोग जलियांवाला बाग का रंग रूप बदले जाने को लेकर निशाना साध रहे हैं। अधिकतर आलोचना उन गलियारों का स्वरूप बदलकर आधुनिकीकरण कर दिए जाने को लेकर है, जहां जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लोगों ने नवीनीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने ट्वीट कर कहा, ये स्मारकों का कॉरपोरेटीकरण है, जहां वो आधुनिक संरचनाओं के रूप में समाप्त हो जाते हैं, विरासत मूल्य खो देते हैं। बता दें पीएम मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया। इन घटनाओं को दिखाने के लिए ऑडियो वीडियो टेक्निक के माध्यम से मैपिंग और 3D चित्रण के साथ ही कला एवं मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को घटित अलग अलग घटनाओं को दर्शाने के लिए साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ लोगों को अब ये रास नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।